जापान में पहली हाई स्पीड ट्रेन साल 1964 में चली थी, लेकिन जल्दी ही इसे बंद करने की नौबत आ गई थी। जाने कैसे किंगफिशर पक्षी ने इसे बंद होने से बचा लिया। जापान की बुलेट ट्रेन को दुनिया में मॉडर्न इंजीनियरिंग का नगीना माना जाता है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने के बावजूद इस ट्रेन से सफर को सबसे सुरक्षित माना जाता है। मगर एक समय ऐसा भी था जब जापान की इन ट्रेनों को बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन एक छोटे से रंग बिरंगे पक्षी ने ऐसा नहीं होने दिया। दरअसल शुरुआत में इन ट्रेनों के डिजाइन में समस्या थी। जब यह ट्रेन सुरंग से निकलती थी तो इतनी आवाज करती थी कि यात्रियों और ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसे सहना मुश्किल हो जाता था। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी को किसी कमरे में बंद कर दिया गया हो और वहां वॉशिंग मशीन चला दी जाए। साथ ही जहां से यह ट्रेन गुजरती थी उसके आसपास के लोगों को भी काफी परेशानी होती थी। जापान के इंजीनियरों ने जल्दी ही इस टनल बूम का कारण खोज निकाला। जब ट्रेन सुरंग से निकलती है तो बंद जगह के कारण वह हवा को आगे धकेलती है, इससे एयर प्रेशर वेव बनती है। ट्रेन सुरंग से निकलती है जैसे बंदूक से गोली, इससे 70 डेसिबल से अधिक की साउंड वेव जनरेट होती है और सभी दिशाओं में 400 मीटर की दूरी तक इसका प्रभाव रहता है। कारण तो मिल गया था, लेकिन अब समस्या यह थी कि इसका समाधान कैसे किया जाए। ट्रेन की रफ्तार कम करना या सुरंग से नहीं गुजरना कोई विकल्प नहीं था, लेकिन प्रकृति के पास इसका समाधान था। जापान के इंजीनियरों की नजर किंगफिशर पक्षी पर पड़ी जो तेज गति से पानी में मछलियों का शिकार करता है। इसकी चोंच आगे से संकरी होती है और पीछे की तरफ चौड़ी होती जाती है, इससे इसे पानी में गोता लगाने में मदद मिलती है। इसकी चोंच का डिजाइन जापानी इंजीनियरों के लिए वरदान साबित हुआ। पक्षियों पर नजर रखने वाले जापानी इंजीनियर आईजी नकात्सु ने बुलेट ट्रेन के अगले हिस्से को किंगफिशर की चोंच की तर्ज पर डिजाइन किया। उनका यह डिजाइन काम कर गया। इससे बुलेट ट्रेन की टनल बूम की समस्या खत्म हो गई और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इतना ही नहीं, इस डिजाइन से ट्रेन की फ्यूल एफिशिएंसी और स्पीड भी बढ़ गई। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि प्रकृति से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है। जापान ने 1964 में ही हाई स्पीड ट्रेन बना ली थी। उसने लगातार रफ्तार, क्षमता और सुरक्षा को बढ़ाते हुए बुलेट ट्रेनें पटरी पर उतारी। इसे आज भी इंजीनियरिंग का नगीना माना जाता है। जापान रेलवे ईस्ट की E5 बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है जो राजधानी टोक्यो से शिनामोरी की ओर जाती है। कृपया मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।